ऑर्गेनिक सीरीज, इसमें आपको एक 6-मेंबर कीटोन दिया हुआ है और साथ में आपका डाइएजोमीथेन। ये जो डाइएजोमीथेन है ये खुद में ही एक देखो इसका जो ओपन स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। तो ये जो है ये एक खुद में ही न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। इसको किसी भी कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती है न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट होने के लिए। और आपका ये जो कीटोन है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है, जिसमें ये ग्रुप होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल होते ही हैं, ठीक है। तो क्या करेगा कि जब आपका डाइएजोमीथेन जो इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, अब यहाँ क्लियरली है कि इसका ये वाला जो पार्ट है ये अटैक कर देगा इसके कार्बोनिल सिस्टम पे। अटैक करने के बाद ये हो जाएगा आपका क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो इसका पहला स्टेप क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद ये फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि इस तरीके से अटैक करके N2 को बाहर निकाल दे, क्योंकि N2 गुड लिविंग ग्रुप है, N2 गैस के फॉर्म में गुड लिविंग ग्रुप है, तो उसको तो बाहर निकलना ही है। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इन दोनों में से कोई एक बॉन्ड ब्रेक हो जाए और जो है रिंग एक्सपेंड कर जाए, रिंग एक्सपेंड कर जाए। तो देखिए, जब अगर ये पॉसिबिलिटी होगी नंबर एक वाली, तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो रिंग फॉर्मेशन होगा वो 3-मेंबर्ड रिंग बनेगी और उसमें भी आपका ऑक्सीजन होगा इस टाइप से। तो दिस इज लेस स्टेबल रिंग, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन नहीं होता है। तो क्या होगा कि आपका इन दोनों में से कोई एक बॉन्ड क्लीव होगा। अब दोनों सिमेट्रिकल हैं, कोई भी बॉन्ड आप क्लीव कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इसको, आपका ये वाला जो बॉन्ड है ये है, तो आप इसको आपको क्लीप करना है, तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए, इस तरीके से क्लीप कर दीजिए। अगर फिर भी अगर कंफ्यूजन होता है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना लीजिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना लीजिए। तो ये बॉन्ड क्लीप हो गया, मतलब अब ये एक कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक कर देगा इस टाइप से। तो अब आपका जो ये 6-मेंबर था, ठीक है, वो अब 7-मेंबर में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ पे आपका एक कार्बोनिल जनरेट हो गया है। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। थैंक यू।